हे गाइस, तो आज आप लोग लेकर आए हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का फोर्थ T20 का गेम प्ले वीडियो, हाईलाइट वीडियो, जो कि आप लोग यहाँ रियल क्रिकेट रूम में हम लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग के सामने जो स्टेडियम दिख रहा है, ये है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, यानी दुबई का स्टेडियम दिख रहा है आप लोग के सामने। वेस्ट इंडीज़ के स्टेडियम अवेलेबल नहीं, इस वजह से दुबई का हम लोग स्टेडियम लेके गेम प्ले कर रहे हैं। तो यार फटाफट चलते हैं टॉस की तरफ, और टॉस की तरफ जाने से पहले यार थोड़ा कमेंट्री पिच रिपोर्ट वगैरह हो जाता है, यहाँ पे पिच वगैरह देख लीजिए। चलते हैं टॉस की तरफ। तो यहाँ पे टॉस की तरफ आते हुए हम लोग, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन रोमन पावल फ्लिप करेंगे टॉस को, और यहाँ पे टेल्स का कॉल दिया फिर से एक बार, और देखते हैं टॉस कौन जीतता है। और भाई यहाँ पे हम लोग टॉस जीत चुके हैं और बैटिंग चूज़ कर रहे हैं। तो बैटिंग हम लोगों ने चूज़ किया है, और देखते हैं कितना इसका फैसला सही होता है, बैटिंग का या बॉलिंग का। तो ये रहा प्लेइंग 11 जो कि थर्ड T20 से मैच कर रहा होगा। ये इंडिया का प्लेइंग 11 जो कि ये भी थर्ड T20 से आप लोगों को मैच कर रहा होगा। और यहाँ मोटू पतलू आते हुए मैच की शुरुआत करने के लिए, इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के फील्डर्स आते हुए फील्डिंग करने के लिए, और यहाँ पे भी थोड़ी देर में इंडिया के ओपनर्स भी आते हुए, सुमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल बैटिंग के लिए, और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बॉलिंग कराने आ रहे हैं मकॉय, और यहाँ पे स्ट्राइक पे यशस्वी जायसवाल। तो यहाँ पे हम लोग 15 ओवर करने वाले ऑटो प्ले पर गेम करते हैं पॉज, फिर करते हैं फटाफट 15 ओवर ऑटो प्ले। ऑटो प्ले हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिया बनाई है वो 114 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। जायसवाल, गिल और सूर्य कुमार यादव आउट हो चुके हैं। यहाँ पे तिलक वर्मा संजू सैमसन खेल रहे हैं। पहली बॉल पहला रन निकलता हुआ हमारे बल्ले से, यानी संजू सैमसन के बल्ले से एक रन, पहली गेंद पर एक रन मिलता हुआ मकॉय गेंदबाजी में। दूसरी बॉल को चौका मारने की कोशिश, और भाई बढ़िया शॉट, टाइमिंग बढ़िया, 4 रन गैप में मारेंगे, 4 रन मिलेंगे, और 49 पे खेलना है तिलक वर्मा। और ये सिंगल मारते हुए, और सिंगल के साथ इनकी 50 पूरी होती हुई तिलक वर्मा की, जो कि हमारे गेम प्ले में तीसरी बार 50 पूरा किए हैं। और देख सकते हो काफ़ी पवेलियन काफ़ी खुश लग रहा है इंडिया का, और यहाँ 50 पूरा करते हुए 43 गेंदों में एक चौका मार के, जो कि हम लोगों ने भी मारा है। और भाई यहाँ पे संजू सैमसन खेल रहे हैं फिर से, स्टोक खेला है, और भाई ये अनहाइडेड हिट, भाई ख़तरनाक हिट मारा, लास्ट गेंद थी इस ओवर की। रोमन पावल आए हैं गेंदबाजी में, भाई गेंदबाजी करने कब से लगे भाई। संजू सैमसन स्ट्राइक पे, और देखते हैं भाई, और यहाँ पे हम लोग सूर्या वाला शॉट खेलेंगे, और भाई एकदम जड़ में यॉर्कर आ रही है रोमन पावल की, भाई ओ भाई क्या यॉर्कर थी भाई यार, हम डेड यॉर्कर थी, एकदम ऑफ स्टंप ही उड़ा डाला संजू सैमसन का, क्या सेलिब्रेशन है भाई, बढ़िया गेंदबाजी रोमन पावल की यार, पहली गेंद पे ले लिया संजू सैमसन को। पटेल आए, यानी अक्षर पटेल आए हैं बैटिंग करने के लिए, हार्दिक पांड्या को भी रोका है, पटेल को भेजा है, और यहाँ स्ट्राइक पे भी वही आए हैं। रोमन पावल की चौथी बॉल बहुत आराम से खेल रहे हैं, और भाई 4 रन आराम से मिल जाएंगे, इसी के साथ लोफेस्ट शॉट खेला था तिलक वर्मा को, 4 रन मिलते हुए फिर से तिलक वर्मा ने शॉट लिया, और भाई गैप में मारा है, गैप में यहाँ पे 4 रन मिलने चाहिए, जी नहीं भाई, अरे भाई दौड़ के आ गया फील्डर, 3 रन यहाँ पे निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन नहीं भाई 3 रन निकल गए, यस ब्रो 3 रन निकल गए हैं। यहाँ पे फिर से उधर शॉट खेलेंगे, वही गेंद है, और भाई अरे बीच में पकड़ लिया भाई, रन आउट नहीं, अरे भाई यार डायरेक्ट हिट थ्रो कर दिया ब्रो, मुश्किल है बस, यहाँ मेरे को लगता है आउट है यार, संजू सैमसन आउट हैं। यहाँ देख सको थर्ड अंपायर का फैसला, और भाई साफ दिख रहा है संजू सैमसन डाइव मारने से पहले डायरेक्ट हिट लग चुका था, आउट है यहाँ पे संजू सैमसन, ओ सॉरी अक्षर पटेल जा रहे हैं, संजू भाई तो आउट हो चुके हैं पहले ही। अक्षर पटेल 3 में 3 बना के जाते हुए, अब आए पांड्या इंडिया के कप्तान, और कैल्स मेरा है बॉलिंग कराने के लिए वेस्ट इंडीज तरफ से, स्ट्राइक पे हैं पांड्या जी, और भाई इनकी तीसरी बॉल है कैल्स मेयर की, और भाई बढ़िया लोफ्टेड शॉट, भाई क्या शॉट मारा, करक शॉट लेग साइड की तरफ, और 6 रन मिलेंगे। फिर से ऑफ साइड लेग साइड तरफ मारेंगे, एक नंबर शॉट मारा है, 4 रन आराम से मिल जाएंगे, पूरे फुल गैप में मारा है, और पिछले ओवर से बस 2 ही बाउंड्री आई थी, 10 रन आए थे। शेफर्ड आए बॉलिंग के लिए, पहली बॉल को वही वाला शॉट खेला है तिलक वर्मा ने, और 4 रन बटोरा, इसी के साथ 61 पे पहुँच चुके हैं तिलक वर्मा। कट शॉट, फिर से बाउंसर लेंथ की गेंद थी, तीसरी गेंद थी, और यहाँ फिर से 4 रन बटोरा है, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है तिलक वर्मा की तरफ से। जोसेफ आया लास्ट ओवर कराने के लिए, पहली बॉल को भाई आराम से खेला है, और भाई 4 रन मिलेगा, पांड्या ने बढ़िया शॉट खेला है, 4 रन बटोरा।
और यहाँ पे लास्ट इनिंग की लास्ट बॉल को भाई फिर से गैप पे मारा है, 4 रन ही मिलेगा। यहाँ पे कुल टोटल यार इंडिया ने 162 रन ही बना पाई है 5 विकेटों के नुकसान पे, और देख सकते हो 20 ओवर 162 रन बना पाई है। स्कोर कार्ड आपके सामने है और ये रहा मैच समरी। तिलक वर्मा नॉट आउट रहते हुए 70 नॉट आउट, और यहाँ आ चुके हैं मोटू पतलू फिर से एक बार फिर सेकंड इनिंग की शुरुआत के लिए, और इंडिया फील्डिंग करने आ रहा है और यहाँ पे रोकना चाहेगा वेस्ट इंडीज़ को, और इस श्रृंखला को भी रोकना चाहेगा, अपने तरफ करना चाहेगा। बी किंग और काइल स्मिथ आए हैं रनों का पीछा करने 163 रनों की, और यहाँ पे मुकेश कुमार बॉलिंग पे आए हैं। बी किंग है स्ट्राइक पे, हम लोग करने वाले हैं ऑटो प्ले 15 ओवर, गेम पॉज करते हैं और फटाफट ऑटो प्ले करते हैं। यहाँ पे 15 ओवर ऑटो प्ले हो चुका है और अक्षर पटेल आए हैं बॉलिंग के लिए। पहली बॉल और कैच, ओ माय गॉड यार, कैच ड्रॉप, पावल का कैच ड्रॉप होता हुआ भाई, इस कैच को पकड़ना था यार। एक बार कर्सर यार पीछे हो जाता है यार प्रॉब्लम करता है, इसका ट्रिक लगाना पड़ेगा। दूसरा बॉल दूसरी गेंद को लीजिए भाई, कैच छोड़ने का नतीजा यही है, चौके छक्के खाइए। तीसरी बॉल को भाई आराम से खेला है, एडवांस शॉट खेला है, फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। और भाई ये क्या मिसफील्ड है भाई, मतलब यार इतना प्रेशर है कि मिसफील्ड कर दे रहे यार बाउंड्री पे, वाइड यॉर्कर है और इसे भाई नहीं छोड़ेंगे यार। पूरन एकदम फॉर्म में चल रहे हैं भाई, गेम में भी और रियल लाइफ में भी छक्के छक्का मारे जा रहे हैं। अर्शदीप आए हैं और यहाँ पूरन 49 पे खेल रहे हैं, यहाँ पे एडवांस शॉट खेल के अपना 50 पूरा करेंगे। हमारे तरफ से तिलक वर्मा बढ़िया खेल रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पूरन बढ़िया खेल रहे हैं। यहाँ पे एक छक्का और 2 चौके बदौलत यहाँ 50 पूरा करते हुए पूरन। पावेल ने स्ट्राइक पे और यहाँ पे कवर ड्राइव बढ़िया खेला है अर्शदीप सिंह के लास्ट बॉल पे, और यहाँ पे सिर्फ 1 रन ही मिलेंगे। हार्दिक पांड्या हैं बॉलिंग कराने के लिए फिर से, पहली बार पांड्या की, और भाई डॉट बॉल यहाँ पे डॉट होता हुआ। और यहाँ पे तीसरी बॉल बढ़िया शॉट लेग साइड की तरफ, फील्डिंग बढ़िया होनी चाहिए, और भाई कूद के बढ़िया रन रोका है, और यहाँ पे 2 रन ही मिल पाएंगे वेस्ट इंडीज़ को। और यहाँ पे लास्ट बॉल पांड्या की, यॉर्कर एकदम डेड यॉर्कर है यहाँ पे भाई यार, रिवर्स स्वीप खेल दिया है, स्कूप खेल दिया भाई, 4 रन फिर से बढ़ रहा है वेस्ट इंडीज़ काफ़ी खुश गेमा लग रहा है। अर्शदीप आए फिर से बॉलिंग कराने के लिए, लास्ट ओवर है यानी सॉरी 18 ओवर है, यहाँ पे 149 बन चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के। यहाँ पे बढ़िया फील्डिंग करके 2 रन मतलब 2 रन रोका है और 2 रन वेस्ट इंडीज़ मारा है। 11 गेंदे 12 रन वाइड यॉर्कर गेंद है, बढ़िया लोफ्टेड शॉट, यहाँ पे हम लोग कैच आराम से कर लेंगे, और भाई कैच किया पूरन को जाना पड़ेगा वापस बेल की तरफ, काफ़ी देर बाद विकेट आई है, अर्शदीप सिंह ने विकेट दिलाई है भाई। 40 गेंदों 55 रन और भाई बढ़िया बैंक, एक बल्लेबाज गया तो हेटमायर आते हुए। चौथी बॉल इस ओवर की और भाई ये देखो हेटमायर का पावर, आते मारा है 6 रन भाई, गजब का 6 रन लेग साइड की तरफ, काफ़ी खुश लग रहा है खेमा। और इसी के साथ इंडिया इस मैच को भी हार चुकी है, ये देखो वाइड यॉर्कर कितना सही फेंका है, लेकिन उसको लपेट के एक लेग साइड में खेला भाई बढ़िया। यहाँ पे भाई स्कोर सेम है, 1 रन और चाहिए जीतने के लिए, और भाई देखो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के बैटर 1 रन नहीं 4 रन मार के मैच को जीताते हुए, और वेस्ट इंडीज़ इसी के साथ 6 विकेटों से इस मैच को जीता हुआ, 1 ओवर अभी बाकी रहे, 6 गेंदे बाकी थे तभी इस मैच को जीत गया है वेस्ट इंडीज़। तो ये रहा है स्कोर आप लोग के सामने, 166 रन मार दिया वेस्ट इंडीज़ 4 विकेटों के नुकसान पे। और ये रहा मैच समरी आप लोग सामने दिख रहा है, पूरन रहे हैं हायर स्कोरर, और नेक्स्ट लगता है इसी के साथ यार वेस्ट इंडीज़ इस रिंक हमारी गेम प्ले की श्रृंखला में 3-1 से आगे हो चुकी है। अब लास्ट मैच देखते हैं कौन जीता है, तब तक के लिए बाय बाय।